नाउ वी विल सी दिस एडवांटेजेस ऑफ बिजी मेथड। बिजी मेथड बहुत बढ़िया है, परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन बहुत बढ़िया होता है थिक्स में 75 to 85%, बट इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहली बात कि हम यहां मशीन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, LSD और क्राउलर माउंटेड जंबो ड्रिल, ठीक है। अब इन मशीनों को सेफली चलने के लिए बहुत ज्यादा ग्रेडियंट में ये काम नहीं करेगा, सेफली नहीं काम कर पाएगा, पहली बात काम ही नहीं कर पाएगा बढ़िया से, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट होगा। तो हम एप्लीकेबिलिटी कंडीशन में बताए थे कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कोल सीम अप टू 1:6 ग्रेडियंट, ठीक है। इससे ज्यादा ग्रेडियंट होगा तो ये सुटेबल नहीं है ये मेथड, ठीक है। अब ये 1:6 से यदि ज्यादा ग्रेडियंट है तो वहां पे ये मेथड सुटेबल नहीं रहेगा, कुलसिम का यदि ग्रेडियंट है तो। अब इसको पहले समझ लीजिए, ये हम 1:6 लिखा है, हम कितना लिखा है 1:2 लिखा है, ये ऊपर वाला फिगर ये 1 है, ये 1 है, ये 6 है और ये 2 है, तो किसमें ग्रेडियंट जा, ये थीटा को ना डिप बोल रहे हैं, उस दिन जो हम डिप का एक वीडियो भेजा है, डिप राइज फिर फुल डिप टू डिप, फुल डिप को टू डिप बोलते हैं, स्ट्राइक ऐसा करके 2-3 वीडियो भेजे, तो यही वाला थीटा है जिसको डिप बोल रहे हैं, ये डिप है और ये क्या आपका कोलसिम है, ये कोलसिम है, ठीक है। तो ये जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल वाला ये नंबर बढ़ता ही चले जाएगा, आपका सिम फ्लैट होगा, और जैसे जैसे ये नंबर कम होगा, जैसे 1:2 है, नंबर कम हो गया हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये ग्रेडियंट ज्यादा हो गया, स्टीपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टीपर हो जाएगा। अब मान लो 1:1 ले लिया, ये 1 है और इतना ही 1 है, तो यहां ऐसा हो जाएगा, ये देखिए सिम का कैसा हुआ, ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हुआ है। 1:1 में कितना एंगल आता है, थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, क्योंकि 10 थीटा का मतलब क्या होता है, 10 थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका ये है, बेस ये है, ठीक है, या 1:1 है ना, 10 थीटा 45 का 10 थीटा 1 by 1 1:1 है, तो 1 तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 10 inverse 1, इसका वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा 45 डिग्री। तो जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम होगा आपका स्टिफनेस बढ़ते चल जाएगा सिम का, ठीक है। तो कब सुटेबल नहीं होगा ये मेथड, कब सुटेबल नहीं होगा, इट इज नॉट सुटेबल व्हेन द कोल सिम इज स्टीपर देन 1:6, मतलब 1:5 होगा, 1:4 होगा, 1:3 होगा, 1:2 होगा, तो वहां पे काम नहीं करेगा, लेकिन 1:7 होगा, 1:8 होगा, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है आपका हॉरिजॉन्टल तो फ्लैटर होते चले जाए, 1:7 होगा, 1:8 होगा, 10 होगा, 1:10 होगा, 1:15 होगा, तो क्या हो रहा आपका और फ्लैटर होते चले जाए, वहां पे हमारे जंबो ड्रिल और LSD को काम करने में इजी हो जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम, नॉट सुटेबल, नॉट सुटेबल इन कोल सीम स्टीपर देन 1:6, 1:6 से ज्यादा यदि स्टीपर है तो वहां पर ये मेथड काम नहीं करेगा। दूसरा और एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो लांगवाल का बहुत बड़ा एडवांटेज, लांगवाल हर डिग्री ऑफ गियरनेस में काम कर सकता है, बताए थे ना, और थिकनेस में भी वही था, थिन सिम थिक सिम, लेकिन ये मेथड थिक सिम में ही काम करेगा, 6 मीटर से कम थिकनेस है तो ये मेथड सक्सेसफुल नहीं रहेगा। एक दूसरा बात, इसमें लेस गैसी सिम जो होगा, जैसे degree 1 गैसी माइन है, वहीं पर ये उपयुक्त है, सुटेबल है। यदि हाईली डिग्री ऑफ गैसी सिम है वहां पर ये सुटेबल नहीं रहेगा बिजी मेथड। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सुटेबल इन हाई डिग्री ऑफ गैसीनेस
जैसे एग्जांपल के लिए डिग्री टू एंड डिग्री थ्री में ये मेथड काम नहीं करेगा, आपका डिग्री वन है तो काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें परसेंटेज एक्सप्रेशन तो 75 to 85% है, ऑल्दो सम कोल विल बी लेफ्ट इन द गोप, और गोप में कोयला छूट गया तो माइनिंग वाले बच्चे हैं समझ जाएंगे कि क्या होगा वहां पर, क्या होगा बाबू, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा। तो थर्ड इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहां पे होगा, ये इन द गोप, इन द गोप। यही तो तीन डिसएडवांटेज है यार, क्या है, नॉट सुटेबल इन कोल सिम, स्टीपर देन 1 inch, इट इज नॉट सुटेबल इन हाई डिग्री ऑफ या हाईली डिग्री ऑफ केसिनेस लाइक डिग्री टू डिग्री थ्री एंड चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन द गोप, ऑल्दो परसेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज स्टिल हाई बट सम कोल इज लेफ्ट इन द गोप एंड दैट इज द कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ठीक है।